Hey y'all, come look at this. सलाम रॉकी भाई। इस सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। म्यूजिक सलाम रॉकी भाई। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए दिन भर में कम से कम 4 बार मोदी मोदी का जाप करें। दोस्तों, ईडी सीबीआई की कार्यशैली और भाजपा सरकार के दोहरे मापदंडों का माहौल उड़ाता यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान लोग ईडी और सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहते थे, जो उसी के खिलाफ बोलता है सरकार जिसकी तरफ इशारा करती है। और आज एनडीए सरकार की सरपरस्ती में इन केंद्रीय जाँच एजेंसियों का हाल पहले से भी बुरा हो चला है। ऐसा लगता है इन जांच एजेंसियों की खुद की कोई साख नहीं रह गई है। जो सरकार आती है इन्हें बस बंदरों की तरह नचाती है और इन्हें नाचना भी पड़ता है। फिलहाल दोस्तों, ईडी और सीबीआई विपक्षी पार्टी और नेताओं पर ताबड़तोड़ छापेमारी में व्यस्त है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार अपने जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रही है, तो वहीं दिन रात ईडी और सीबीआई का नाम सुन सुनकर बोर हुई जनता ने भी इन जाँच एजेंसियों की कार्यशैली में ही हाथ ढूंढ निकाला है और अब सरकार सहित इन जाँच एजेंसियों का जमकर मजाक बनाया जा रहा है। सलाम रॉकी भाई। दोस्तों, लगभग 30 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है कि ईडी और सीबीआई किसी को तब तक परेशान करेंगे जब तक वो भाजपा का चोला नहीं ओढ़ लेता। वीडियो में संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिसको भी ईडी और सीबीआई के रेट से और कार्रवाइयों से बचना है वो भाजपा ज्वाइन कर ले और ऐसी परिस्थितियां दोबारा ना आए इसके लिए दिन में 4 बार मोदी मोदी का जाप करे। दोस्तों, इस वीडियो के साथ एक रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रही है, क्योंकि 20 सेकंड के रिकॉर्डिंग में प्रवर्तन निदेशालय का तबीयत से माहौल उड़ाया गया है और उसे कैप्शन दिया गया है, भारत की सबसे भयंकर कॉल। आइए सुनवाते हैं आपको रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब, मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी। थैंक यू। ओके। दोस्तों, सरकार और इन जांच एजेंसियों का पब्लिक द्वारा मजाक यूं ही नहीं बनाया जा रहा है, इसकी भी अपनी एक वजह है, क्योंकि पूरे भारत ने देखा है कि कैसे मुकुल रॉय, नारायण राणे और अजीत पवार जैसे नेताओं ईडी और सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा और जब इन नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा तो इन जांच एजेंसियों ने इन नेताओं के सारे केस वापस लेकर इन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र घोषित कर दिया। दोस्तों, ऐसे में पब्लिक सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों का मजाक तो बनाएगी ही, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल दोस्तों, ईडी और सीबीआई पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।